तो गाइस ये घुंघरू में पहली बार बांधी, घुंघरू नहीं तागड़ी, ताता दीना ताता दीना माथे पे लाई मटक मटक करते और इनको ठंड लग रही है। बताओ ठंड किस चिड़िया का नाम है? मी एक मधुर कलाकार बनूंगी, बहुत डोंगा भर के खड़ी खा रही है। शर्म की बात है यार, हमने किसी को लेके थोड़ी खा रखा। 100 साल पुरानी टोकरी, शक्तिमान आएगा भी बाहर निकल के। दोबारा मेरी विग उतर जाएगी यार, ऐसे मत करो भाई। देखो किसी को मत बताना मैं विग लगाता हूँ, ठीक है? No words in my mouth। इस गाने में आपको गोलू का भरपूर डांस देखेगा। इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आप सोच रहे होंगे हम लोग वैनिटी में क्या कर रहे हैं। तो अभी चल रहा है गाने का शूट जिसका नाम है गज का घूंघट, और यहाँ पे चल रहा है मेरा और पायल का मेकअप, क्योंकि हम लोगों को मेकअप में कम से कम मेकअप एंड हेयर में डेढ़ घंटा लगेगा, इसलिए हम दोनों अलग अलग बैठ गए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इस साइड चल रहा है मेरा मेकअप, उस साइड चल रहा है पायल का मेकअप। प्रिया मेकअप कराते कराते भी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्योंकि हमारा वृंदावन का ट्रेवल में ना हमारी नींद पूरी नहीं, क्योंकि हमने नींद करी नहीं वहाँ पे घूमने में ना, हमने ज्यादा टाइम लगाया नींद में कम। तो अभी कोई बात नहीं है, वैसे तो हम रास्ते में सोते सोते आए हैं, लेकिन अभी जो है मेकअप के बाद मैं फिर से सो जाऊंगी। तो वहाँ पे गोलू का मेकअप चल रहा है, उसका शायद ना टचअप हो गया, वो हो गया ना बेस बन गया, मेरा भी बेस बन गया। चलो जी शुरू करो। तो यहाँ पे मेकअप के साथ साथ ना मैंने नाश्ता कर लिया है, और बस ये चाय नहीं पीने दे रहे मेरी पलकों को पकड़ के बैठे हुए, जब पलके छोड़ेंगे तब मैं जाके चाय पीऊंगी। और गाइस मेरे बाल देखो कितने मोटे हो गए, इतने झड़ने के बाद भी मेरे बाल इतने मोटे हैं। इसका राज जानना है ना तो मुझे बताना कमेंट में, फिर बताऊंगी। तो अभी मेरा 50% मेकअप डन हो चुका है, 50% हेयर डन हो चुका है, और आई मेकअप सच में बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल सिंपल सोबर। तो बालों का समझ नहीं आ रहा बालों का भैया क्या करें, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा छोटे हैं, बट मेरे पे ये वाले जो ब्रेड्स है सूट करती है, मेरे स्टार्टिंग से ना अच्छी लगती है इसीलिए ब्रेड्स। तो यहाँ पे बच्चों पे नजर रखी जा रही है, कैमरे पे देख रही हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। दो बच्चे रेडी हो चुके हैं, एक रेडी हो रहे हैं। तो गाइस आप व्लॉग को बहुत ज्यादा प्यार देते हो, बस आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आगे की चीजें दिखाएंगे। और आज गोलू और पाल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इनको नजर ना लग जाए तो मैंने बोला, स्पेशली बोला कि काला टीका जरूर लगाओ। और साथ साथ ना देखो मेरे स्नैपचैट को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं स्नैपचैट ना बहुत सारी चीजें ब्लॉग से पहले डालता हूँ। तो ये मेरी स्नैपचैट आईडी है, और आज ना आज तक मैंने कुछ नहीं बोला, ज्यादा नहीं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना उसके 50% आज फॉलो कर लो। अगर गलती से 1 लाख लोगों ने फॉलो कर लिया ना तो रिकॉर्ड टूट जाएगा स्नैपचैट का। कर दो फॉलो आज अभी, कर दो प्लीज। मेरा हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और मैं सोच रही हूँ हमारे घर में जो फंक्शन है ना उस पे भी मैं कुछ ऐसा हेयर स्टाइल रखूँ। तो यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल हो गया, गोलू का हो गया, अरमान जी अपने हेयर स्टाइल के लिए बैठ चुके हैं सरवर धो के, या अभी अभी जस्ट सर धो के आए। तो गाइस ये घुंघरू में पहली बार बांध रही हूँ, घुंघरू नहीं तागड़ी। हाँ ये तागड़ी में पहली बार बांध रही हूँ। ये अपने दामन के साथ नहीं थी ना? नहीं मैंने कभी नहीं बांधी, पायल ने एक बार बांधी थी। पायल का हाँ मुझे नहीं पता कहाँ बांधते हैं, कमर वाली आज कल कमर का कमरा हो रहा है ना मेरा, मैं थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ ना, बट पहले से पतली हुई हूँ ऐसा नहीं है। तो गाइज ये है हमारा पूरा लुक, अभी मेरी जैकेट गई है सीन टाइट होने क्योंकि लूज थी बहुत ज्यादा। तो हम जा रहे हैं अभी, पहले पूछते हैं कोरियोग्राफर का है, उनसे 2-4 स्टेप सीखते हैं और फिर करते हैं ताता दीना ताता दीना। बोलो ठंडी लग रही, इसलिए तो चुप हूँ खामोश हूँ मैं। अच्छा खामोशी से बहुत ठंड है पाल यार, मुझे ऐसा लगता है अंदर थोड़ी गर्मी होगी क्योंकि अंदर लाइट्स होंगी ना। सही बोल रही है बेचारे, ठंड में देखिए धोती कर। तो यहाँ पर ना अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि गाने की हमने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी हम लोग, आपको पता जैसे कि वृंदावन में थे वहाँ पता चला कि हमारा गाना है, तो आए घर पे रेस्ट की और यहाँ पे आ गए सीधा शूट पर। तो अभी पायल का इसमें डांस परफॉर्मेंस है थोड़ा बहुत, और मेरा भी थोड़ा बहुत एक्ट है, तो अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमें डायरेक्टर हमारे समझा रहे हैं। हाँ जी एक ही यहीं पे रखना है, जितने आप लाउड एक्सप्रेशन से हो गए ना उतना अच्छा गाना होगा। कैमरे में देखा हो सारे देवर जिठा के मैं गई खटक खटक गज का, फिर वही खटक तो ऐसा होगा ना, ये थोड़ी खटक होगा, नहीं खटक ये कर लो ना, ये कर लो हाँ खटक खटक। मैं इजीली कर रहा हूँ, ये हरियाणवी स्टेप है ना तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता, वो स्टेप वो आ जाएगा ना, वो इजी वो हो जाता है। इधर आना दोनों लड़के आना एक बार, हाँ बस बस चाली मटक, तीन स्टेप देखो, तीन स्टेप है, चाली मटक मटक बस तीन, बस तीन, फिर वापस वहीं पे वापस जंप करके कैमरे में रखना उनकी तरफ नहीं। डन चलो सो मैम इधर गिर जाओगे आप, थोड़ा सा माथे पे लाई एक बार, बहू सब कर दी काम की फेल। मैं पायल से सीख रही हूँ, वो मेरी कोरियोग्राफर है। चलो अगला प्रिंसिपल नाम मैं भूल गई,
तो फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं, दो तीन डांस स्टेप सीखेंगे, उसके बाद मटक मटक करते हैं। बात करते हैं गणपति जी की और करते हैं गाना। तो गाइस हमने सेट पे किया रिहर्सल और बहुत अच्छे किए हमने, दोनों ने मैच किया है डांस और अपने खुद के स्टेप बनाए हैं। कोरियोग्राफर में सिखाए थे बहुत अच्छे पर हमसे नहीं हो रहे थे, मेरे कोरियोग्राफर स्टेप बनाए। मेरी कोरियोग्राफर कौन है? पायल मलिक। पायल मलिक वन एंड ओनली पायल मलिक, क्योंकि मेरे को ना किसी और से समझ नहीं आता। ऐसे मेरे साथ ना एक्टिंग में भी होता है, जब मैं कभी कोई शॉर्ट वीडियो बनानी होती हूँ ना तो डायलॉग नहीं बोल पाती, तो पायल आती है मुझे समझाने के, गोलू ये बोल, और नेक्स्ट टेक जो होता है मेरा परफेक्ट होता है। शी इज माय केयर टेकर, शी इज माय नैनी। नैनी बहुत पड़ेगी महंगी, सब कुछ नैनी का ही है। तो मैंने ना नीचे ना कुछ पहना हुआ था ऐसा जिसे ठंड ना लगे, वो उतार के आऊंगा, अब मैं खुल के नाचूंगा। तो अभी अभी एक कंप्लेंट आई, जो कपड़े सील थे उन्होंने बताया कि भाई जब तुम पिछले शूट में थे तो तुम 42 थे, अब 44 हो गए हो, दोबारा 40 पे आएंगे। बीवी ने इतनी खुशी दे दी है कि 44 हो गए। वेट बढ़ गया मेरा, कोई बात नहीं, वेट उन्हीं का बढ़ता है जिनकी सारा खून मेरा चूसते नहीं, इसलिए इनका मेरा कम होता जा रहा है। फिंगर बोल रहे हो, हम दोनों पे नाम आया। कोई बात नहीं, ये इल्जाम गलत था, साबित करेंगे हम आपको, आपकी अदालत में मिलते हैं। यार गोलू तेरी इतनी वाइट बाल, हां पायल मेरी इतनी वाइट बाल, तू मुझसे जल्दी बूटी हो गई यार, देखो लग रहा जवान होती जा रही है, तू बूटी होती जा रही है। पिन से फिक्स करना, मेरे इस पे स्प्रे मार दो प्लीज, काले बालों में वाइट। तो यहाँ पे मेरे बाल काले कर दिए इन लोगों ने, दिख रहे होंगे काले काले हो गए, और साथ ही साथ चुन्नी सेट हो गई है, तो पायल का बस लास्ट टचअप जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक बार ना हम प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अभी देखो हमने शूज पहने हुए हैं। सच में गाइस इतने मजेदार जूते हैं ना, ये इस पे इतना मजा आ रहा है डांस करके, पर अभी क्या है जूते नहीं पहने, जूती पहनी है, तो अभी चेंज करूँ। पर मान जी मुझे देख के ना स्माइल दे रहे, पता नहीं क्यों, पूछती हूँ। हाँ जी, नींद आ रही है। तो गाइस अभी अभी मेरे को जस्ट तिल आया नया नया, देखो तो ये जो तिल है सिर्फ शूट के लिए, मैं सोच रहा हूँ तिल मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं टैटू करवाऊंगी तिल का। टैटू क्या करवाना, गर्म कर ले सिलाई और यहाँ लगा ले। आप लगा देना, देखते आपका दिल कितना बड़ा है भाई। दिल के लिए इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, तो मैं टैटू करवा लूंगी। टैटू होता है, ये होता है ना टैटू ऐसे करके, जैसे हम भिखने मांगने जाते किसी को, टैटू वाले को बोलना भैया थोड़ी सी मदद करना, वो ऐसे करके हटा जाएगा अपने आप। मैम एक बार शूटिंग शुरू हो गई है और इनको ठंड लग रही है, बताओ इसलिए लेके आया था। मेरे को नहीं लग रही ठंड, ठंड किस चिड़िया का नाम है? मैं तो बहुत हॉट हूं। ये वाला ना बहुत अच्छा, पता है पल क्या होता है, हम तीनों करते ना कोई देख नहीं था, अब मैं तो इनको जानती हूँ अच्छे से, मैं देख रही हूँ पहला वाला क्या, उससे ज्यादा अच्छा ही अच्छा। ये वाले में जो तूने वो ऐसे आगे टोकने वाला किया था, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था, वो ये वाला आगे करके जंप किया था नीचे की साइड, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और खींचम खींची भी की थी तुमने, ये भूल जाते हैं खिचम खिची करना, अब ये खींचेगी तब तो मैं इनके हाथ से थोड़ी लेना, मेरे हाथ से लेनी है। ये भूल जाते हैं टोकनी खींचना, ऐसे ये हमारे जो हरियाणवी कल्चर है, देखो हम उन्हीं से बने हैं, पर ये हमारे पंजाबी कल्चर से, इनको हरियाणवी नहीं आती, पर जो ये है ये हरियाणवी कल्चर, इनको हरियाणवी इसलिए आती है, इसलिए ये इनको सिखा रही है कि हमें हरियाणवी कल्चर में जाना है क्योंकि हम हरियाणा से। और मुझे एक चीज अच्छी भी लग रही है कि मैंने कभी भी हरियाणवी सॉन्ग नहीं करा। क्या बात है गुरु, बहुत बढ़िया, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। हरियाणवी क्यों नहीं किया वो गुंडे के दिल, तूने किया था? नहीं मतलब गुंडे के दिल पे तू राज करे से, समझ नहीं रही, लिपसिंग पहली बार कर रही हूँ मैं। दो लाइन हो जाए अपनी आवाज़ तोड़ दिया सारा समान ढाबे का, एक सुनी दो सुनी फिर कोना सुनी, मैंने तार दिया चामले। कौन सी भाषा है? कोशिश करती हूँ पर वो अंदर से निकलती नहीं है, पता नहीं क्यों। कोशिश करा करूँ पर मेरी हरियाणवी कौन निकलती बोल, मैं कोशिश करा करूँ मेरी हरियाणवी कौन नहीं। ये मैं सिबरे उठ के, मैं सिबरे उठ के टिक्कड़ खाऊंगी। क्या खाऊंगी? टिक्कड़ मतलब रोटी। अच्छा मैं सिबरे उठ के टिक्कड़ खाऊंगी और 24 घंटे रियाज करा करूंगी, और 24 घंटे रियाज करा करूंगी, फिर जाके एक मधुर कलाकार बनूंगी। बहुत तो ना भाई ऐसा हो रहा मेरे साथ की गाने में भी ना दोनों को लेते हैं, मैं कहता हूँ एक को ले लो, करे नहीं दोनों को, कई बार तो मैं कहता हूँ मुझे मत लो पर इनको जरूर ले लो। मजा आ रहा है शूट में, और जिसने अब तक गाना नहीं देखा भाई जाके देखो, व्हाट्स रिकॉर्ड पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाने का, बहुत ही कव्वाल का गाना है, इतनी सर्दी में शूट किया है, देखो शेयर करना मत भूल।
यहाँ पर चल रहा भैया मजेदार सा खाना और सभी सेम खाना खा रहे हैं, ये नहीं है कि हम कुछ खा रहे हैं लोग कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरी टीम पूरा क्रूज हम सब सेम खाना खा रहे हैं। कड़ी सच में बहुत अच्छी है, पायल तो डोंगा भर के कड़ी खा रही है। डोंगा सॉरी कटोरा है, ग्लासी टूटा ग्लास है चाय वाला। तो अभी हम कर रहे हैं खेत में अपने गाने की शूटिंग, तो आपको दिखेंगे अभी कुछ ड्रोन की सिनेमेटिक टेक्स। बस तो गाइस गाने को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, ट्रेंडिंग में आ गया नंबर वन पे। जिसने अब तक नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके गाना देख लो। और भाई इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, अगर बात की जाए देखो ये लड़का तो बोल भी नहीं पा रहा बेटा। क्या नाम है आपका? रवि। बोल पा रहा अभी बोला ये पहले नहीं बोल पा रहा था ये। ट्रैक्टर ने हमें ठंड में मार रखा है, ये इतने बड़े खेत में हमें खड़ा कर रखा है। अंदर तो फिर भी अंगीठी चल रही थी, यहाँ तो इतनी हवाएं चल रही है कि ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और 15-20 मिनट तो हो गए हमें यहाँ टेक देते हुए, ज्यादा हो गया आधा घंटे से ऊपर हो गया। देखो तो टाइम का पता ही नहीं चलता, पर मैं टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। आधा घंटा हो गया अभी, टेम्परेचर चेक करा 10 डिग्री है राइट नाउ। आपस में इशारा करना था तो भाई अभी मुझे गर्मी लग रही है, देखो बटन खुल गया अपने आप। मिले ठंडा पानी करवाए ना ठंडा पानी। अरे चाय तो बनवा दो, सुबीर की चाय नहीं पी यार, शर्म की बात है यार। नहीं, मैंने नहीं पी भाई, कॉफी पी है, कॉफी पी है हमने बार बार, चाय नहीं। एक बार एक बार पी यार, एक बार पी वन टाइम। तेरे हाथ तो गर्म है, पाल दिए थोड़ी देर। मेरे हाथ ठंडे कर रही है, तेरे हाथ दियो वो कैसे भाई ये खत्म। एक बस आने वाला आप लोगों का। बहुत हंसी आई, डायरेक्टर ने बोला फाइल को भी कि ना हंसो ठीक है, ताली मार हंसो तो पागल कैसे करो मिलेगा ताली मारो ताली मारो हंसो कहती मेरे को माननी नहीं। तो भाई यहाँ पर हाथ सेके जाए हैं मजेदार वाले, और मेरे साथ है फरिश्ता भाई। और फरिश्ता हरियाणा का बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, डांसर। तो मजा भी आया आज हमें काम करके, बहुत मजा आया। बहुत कम लोग की तारीफ करते हैं क्योंकि कुछ लोग है ही नहीं, लायक ही नहीं है तारीफ के, सच में है ना भाई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम तो भाई साफ बोलते हैं, लोग कर रहे हैं हमने किसी का लेके थोड़ी खा रखा, हम बोले साफ साफ। मैंने ना आपके बारे में यही बात बोली इनको, मैंने कहा बहुत बढ़िया लगे भैया मुझे, होता है ना देखो काम करता है इंसान, अच्छा लगा बहुत मजेदार। और यहाँ मैगी चल रही है, मैं भूल गई चाय, मैं और मंगाऊंगा बस हो गया मेरा। तो गाइस अभी हम अपनी सेकंड लुक में आ गए हैं और बस वेट कर रहे हैं हम, ये चल रहा है हमारा सेकंड सीक्वेंस। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, स्टोरी हमें बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ गाना आ गया है और गाना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जिसने अभी तक गाना नहीं देखा होगा जल्दी जाके अब वंस रिकॉर्ड पे देख लेना 12 तारीख को। हमारी सेट पे बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई है अभी। तो गाइस आज मुझे मिली है 100 साल पुरानी टोकरी। क्या ये टोकनी? टोकनी तो ये बोल रही हूँ, मैंने गलत बोला है, वो मेरी आदत है ना, मैं गलत ही बोलती हूँ। तो ये 100 साल पुरानी है और इतनी ठंडी हो रही है ना, 100 साल पुरानी क्या है और इतनी ठंडी हो रही है, क्या है टोकनी? अब तक जिसने ये टेक नहीं देखा ना गाने में जाके देख लो, मैं पानी में डूब गया हूँ, ठंडे पानी में गीला हो गया हूँ, और गाना जाके देख लो और मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच, ट्रेंडिंग आ गया गाना आपके प्यार से। इतनी बार ही गिरा हूँ स्कूल में, इतनी बार तो मैं रियल लाइफ में नहीं गिरा। यहाँ पे ये चल रही है कि मैं गीला हूँ स्टेज के लिए, मतलब मैं गीला निकलूं बाहर और फिर आशिकी करूँ दोबारा मटक मटक, मतलब ठंड में गीला होकर लिपसिंग करूँ चाले मटक मटक। अरे भैया इधर आओ ना फरिश्ता भाई, जितना तंग कर रहे ना फरिश्ता, भगवान की कसम मुझे लगा इनको फरिश्तों के पास भेजना पड़ेगा। कहाँ था भाई तू? शक्तिमान आएगा भी बाहर निकल के, कुएं में गिर गया। अभी देखो मैं आ रहा हूँ कुएं में से बाहर, सारा पानी सुखा दिया मैंने कुएं का। मैं बाहर नहीं निकलूँ, मुझे ना तो एक्शन सुन रहा भाई और ना कोई पलट रहा, मुझे एक्शन या तो गाना समझ जाते, इसमें तो लिपसिंग मिलने से रही, इसको गाने को करा दे बंद ही रिएक्शन। काम करो हाँ। गाड़ी में रखो, क्यों क्या करेंगे, पीतल महंगा हो रहा है ना। नहीं इतना बोला, ये तो लोहा है गुड्डू, ये पीतल लोड़ी है, कोई बात नहीं, लोहा ही पुराना है, बेचेंगे पीतल ही आ जाएगा। गाड़ी में रखो, 100 साल पुरानी है, इसको एंटीक पीस बना सकते हैं, अपने म्यूजियम में दे सकते हैं।
म्यूजियम ही तो है। एक ढाई मिनट के गाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप एक बार देख सब्सक्राइब कर दो चैनल और बढ़िया से कमेंट करके बताओ किसकी एक्टिंग अच्छी लगी। मुड़ो देखो एक्टिंग चल रही है पीछे। तो यहाँ पर हमारे बच्चे कह रहे कि सर आपको ठंड क्यों लगी, आपने तो इतनी चीजें पहनी है। तो मैंने इनको समझाया ठंड जितनी महसूस करो उतनी लगेगी। तो बताएंगे मैं तो गाइस आ गई धूप में खड़े होने। इतना तो हमें वृंदावन में ठंड लगी जब भी यहाँ लग रही है। इतनी ठंड हो रही है ना, ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि ना चारों तरफ ना बैल ओपन एयर खुले में इतनी हवा चल रही है कि मत मानता हूँ। जितने भी बच्चे आए हो ना शूटिंग पे भाई बीमार ना हो कोई बच्चा। ऐसे लग रहा है यही सब कुछ है हमारा और क्या। यहाँ पर नाजायज हो रहा है मेरे साथ, बाल खराब कर रहे हैं मेरी। विग उतर जाएगी यार, ऐसे मत करो भाई। देखो किसी को मत बताना मैं विग लगाता हूँ, ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ है यार। रियल बाल है मेरे, जिनकी है वो बुरा मान जाएंगे। मुझे नहीं पता, भगवान की कसम भाई जो भी बुरा माने हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लो फिर इनको बुरा लगेगा। हाँ अन्याय हो रहा है मेरे साथ। ड्रेस ड्राई क्लीन कर दी है। मैं बोल रही हूँ फिट लग रहा हूँ। हाँ और मुझे भी लग रही थी, सोया नहीं हूँ ना यार। 15 मिनट की नैप ली थी। तो भाई रात के 3:30 बज गए हैं और सर्दी इतनी हो रखी है, बस ये लगा लो कुल्फी जमने वाली है बच्चों की। गर्म इंजेक्शन लगाए हैं जिनसे ठीक है पहले से। एक भाई को लगाया, उसको लगा। भाभी जी कहाँ खड़े हो? मरकरी के नीचे भाई, वो ठंड है सच में। आपको पता है रात के 3:30 हो गए और सच में इतनी ठंड है, ऐसे कोहरा हो रहा है, मच रहा है। नो वर्ड्स इन माई माउथ, माई माउथ इज जमिंग लाइक अ बर्फ एंड पैर इज लाइक अ कमरे के अंदर है लाइट है ना, मरकरी जा उनसे मिल के। हाँ जी पाजी अंदर लुक रहे हो? लुक नहीं रहा, मैं चेक कर रहा हूँ काम अच्छे से हो रखा है क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा हवा चल रही है, डर लग रहा है आवाज। अभी लाइट के नीचे खड़े कहाँ पर हैं भाई? देखो अब जो कर रहे हैं ना फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, दिन रात जाग रहे हैं। ये भाई देख लो अपने हरियाणा से है, मतलब 36 घंटे का सफर करके यहाँ पे आ रहे हैं चंद पैसों के लिए। तो भाई मैं तो इन्हीं को सल्यूट कहता हूँ, हमें चलो थोड़ा बहुत ज्यादा दे देते हैं। पर ये देखो ना सार इतनी दूर है, वहाँ से आना यहाँ आना फिर शूट करना फिर वापिस जाना, हेड्स ऑफ तो यार इनको होना चाहिए। डांस प्रैक्टिस चल रही है भाभी, पहले हवा बहुत चल रही है आप क्या करूँ, करना पड़ेगा नहीं उसमें कुछ नहीं करना, यही करना बस। अच्छा यही तो मुझे पहले ही हो गया, दूसरा फिर दूसरा बस बस। थोड़ा सा ना बराबर आ गया करो। हाँ वही हो गया, गलती से कंफ्यूज बराबर नहीं आ पाई। डांस कर रही हूँ, डांस तो कर रही हूँ। हटा देखिए निकल दू सॉक्स। हाँ पूरी सॉक्स दिख रही है, कोई बात नहीं। कब की तैयारियाँ चल रही है? हाँ वो गाल टमाटर जैसे नहीं हो रहे ना, इसलिए टमाटर जैसे कर रही है। सेम हेयर। तो गोलू से मैं पूछ रहा हूँ जिसका नाम बता दे तू क्या है, अगर तूने सही बता दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपए दूँ। कौन सा वास? वैसे की पानी डालते हैं। तू बता भाई हरियाणवी में क्या बोलते हैं इसको? अरे कुछ कहते हैं इसको, अरे हरियाणवी में मटका। अरे कुछ नहीं नहीं मटका नहीं, कुछ और कहते हैं। आप भी गैस कर लेना, वैसे मैं बता देता हूँ हरियाणवी में इसको बोलते हैं झजरी। हाँ हाँ 10,000 रुपए झजरी। 10,000 रुपए दोगे? क्यों दूंगा, तूने थोड़ी बताया। पहले दूर से देख कैसे करती पोट है, इसमें गुलदस्ता लगता है। तो भाई यहाँ पर ठंड से बुरा हाल हो गया, अभी हमने चेंज किया, अब हमारा लास्ट है और नियर अबाउट आधे पौने घंटे में फारिग हो जाएंगे, उसके बाद घर पहुँचेंगे। और भाई बहुत मेहनत से गाना शूट हुआ है, जिसने अब तक नहीं देखा जाके देख लो। गोलू और पायल का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन, डांस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सुनो गाना, व्हाट्सएप कोड पे जाओ चेक करो, मज़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैंने और गोलू ने पहली बार किसी गाने में परफॉर्म किया है, डांस किया है दोनों ने मिलके एक साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए एक्साइटिंग होगा कि आपने कभी ना हमें किसी गाने में डांस करते हुए नहीं देखा होगा। मुझे तो देखा होगा पर गोलू को नहीं देखा होगा, लेकिन इस गाने में आपको गोलू का भरपूर डांस देखेगा। तो गाइस बहुत ही सुंदर लग रही है वाली जो लुक है ना, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, इतना बड़ा बोल रहा इससे पहले नहीं लगाया और सच में बहुत सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे लगाकर, मतलब कि बढ़िया सा लग रहा है। मुझे लगा था कि पता नहीं कैसा लगेगा बट सच में बड़ा प्यारा लग रहा है। सच में गाइस इतनी ज्यादा
धुंध है, चारों तरफ खेत ही खेत है, माहौल देख लो इस टाइम धुंध का है और ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। गोलू और पायल तो आपके पास है, देखो कैसे चल रही है। तो गाइस सुबह के 4 बज चुके हैं और इतनी ज्यादा ठंड, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी कुकड़ी बन गई है, बोलते ना मुर्गी की कुकड़ी, मेरे कुकड़ू सब निकल गए, इतनी ठंड है और इतनी ठंड मैंने कभी नहीं देखी। मैं तो कमर ऐसी हो रही है बिल्कुल ही ऐसी हो गई हूं, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। मेरी मुर्गी की कुकड़ू खत्म हो गई है, अब मुर्गी की जो है टंगड़ी खाने के लिए तैयार हूँ मैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई एक टेक ना मैं कम्बल में उड़ा, मेरे तो मन है ऐसे टेक दूँ, चलो मटक मटक भी चले बस 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 ठंड लगती है भाई बहुत भाई। करो भाई करो भाई। गोली तुझे क्या करना है, ठंड के ना अलग अलग भाषा के वर्जन बताने हैं, ठीक है समझ गई। ठंड मतलब वेरी कोल्ड, वेरी 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 कोल्ड, लाइक कुकड़ी जम जाना, लाइक ज्यादा पाला पड़ना आगे, लाइक पंजाबी में लाइक जो मटर होता है फ्रीजर में जाता है वो बाहर निकलता है, बर्फ होती है वैसे सूख जाता है मटर, तो हम लाइक मटर। अब आप बताओ चार पांच चीजें अलग अलग, पाला और कोल्ड, कोल्ड वेरी कोल्ड, ठंड वेरी कोल्ड, ठंड विंटर विंटर धुंध, ओले पड़ गए। इतनी रात को चिड़िया उड़ रही है बहुत ज्यादा, रात के 4 बजे चिड़िया उड़ रही है, सुबह के 4 बज रहे हैं। तो भाई देखो कहना तो नीचे, देखो रोजी रोटी हर चीज को लेके, पर ना इस टाइम ना सेट पे बुरा हाल हो गया हम सबका ठंड से। इस गाने में सबसे बड़ा फायदा जो हमारे गुलशन भाई ने उनकी कंपनी को है, क्योंकि ना डबल डबल सिंक दे रहा हूँ मैं, इधर भी उधर भी इधर भी उधर भी, तो दो बार गाने आधी टोका डल सकता है ना। एक बार मेरे साथ, एक बार गोलू के साथ। गुड नाइट। तो बताना कमेंट करके गाना कैसा।